अयोध्या सोमवार की सुबह ग्यारहकुंड प्रखंड अंतर्गत कृष्णकाटा समीप स्थित हनुमान मंदिर तथा भोलेनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगभग 250 की संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाला। सभी महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर बराकर नदी से जल लेकर हनुमान मंदिर की तरफ पहुंची और पूरे कलश यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालु भक्ति में लीन दिखे तथा नारे लगाते हुए गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ते रहे। मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद आगामी 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बनारस से आए परम पूज्य स्वामी जी अपने आशीष वचन से सभी को संबोधित करेंगे और इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों तथा भक्तों की आने की संभावना है। इस पूरे आयोजन के दौरान पूरा क्षेत्र एक सप्ताह तक भक्तिमय लीन रहेगा। आज के इस जो कलश यात्रा निकला है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह जो कलश यात्रा है परम पूज्य गुरुदेव भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के आदेशानुसार जो है यह प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है और इसमें तकरीबन 11 ब्राह्मणों के द्वारा जो है यह कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। आज इनके शोभा यात्रा है और कल 22 तारीख से लेकर यह 30 तारीख तक का यह जो है वो महानुष्ठान महारुद्र यज्ञ जो है ये हो रहे हैं। भगवान की ओर से, गुरुदेव भगवान की ओर से सभी भक्तजनों को दैविक भौतिक मानसिक शारीरिक प्रताड़ित जितने भी प्रकार के लोग हैं दुख संकट तकलीफ सारे दूर हो और सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। सभी लोग इस संसार में सबका उत्थान करें, हिंदू राष्ट्र फिर जागृत हो और सभी लोग बिना भेद के किसी भी प्रकार के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष न रखते हुए सभी लोग जो हैं वो आगे बढ़ें, तरक्की करें, सुखी हो, यही कामनाएं हैं। कलश यात्रा कहाँ से निकला था? यह जो कलश यात्रा है आपका बराकर नदी के तट से चल करके जो है वो एकादश स्थान पर जो है महारुद्र यज्ञ हो रहे हैं। मुगमा के पास में पड़ते हैं यह मंदिर। यहाँ जो है लोग जा रहे हैं, तकरीबन 250 कलश यात्री लोग कलश ले जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आचार्य पंडित पंकज कुमार पांडे।